बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा जो एक जूम की पहली क्लास है गानो थेरेपी पर, ठीक है। तो गानो थेरेपी क्या है, हम उसको अपनी होम्योपैथिक पे कैसे प्लस कर सकते हैं, जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। बाकी डेली बेसिस पर हम जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में इनको डिस्कस कर लिया करेंगे, वाया पोस्ट भी और आपकी जो है कुछ वीडियोस ठीक भी, ठीक है। गानो थेरेपी जो है वो मेलिक्टा की एक कंपनी है, DXN के नाम से उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, और उनके फादर हैं डॉक्टर लिन सोजिन। या तो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर दें अगर किसी के पीछे डिस्टरबेंस आ रही है, ठीक है। और डॉक्टर लिन सोजिन ने क्या किया कि PhD किया होलिस्टिक मेडिसिन के ऊपर। आप सबको पता है होलिस्टिक मेडिसिन जैसे होम्योपैथी के अप्रोच है कि हमारी भी जितनी हर्ब्स है जितनी मेडिसिन है वो और होलिस्टिक अप्रोच रखती है। तो उन्होंने भी एक जड़ी बूटी पर, एक हर्ब पर जिसको हम कहते हैं मशरूम, मशरूम के ऊपर रिसर्च की है, और उसका साइंटिफिक नेम है गानोडर्मा ल्यूसीडम, ठीक है। 10 साल रिसर्च की है कि उसके इंसानी सेहत के ऊपर क्या बेनिफिट्स हैं, हम उसको डेली बेसिस पर क्यों यूज करें, क्या उसके ऐसे रीजंस हैं। तो मैं आपको साथ साथ कुछ चीजें शेयर करती रहती हूँ, और फिर मैं आपको उसका मैं इसके बारे में मजीद बताती रहती हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हम जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स है जो हम बना रहे हैं अपने पास, वो किस तरीके से हम उसको कल्टीवेट भी खुद कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी हम उसकी खुद ही कर रहे हैं। ये थोड़ी सी 12 मिनट की प्रोफाइल वीडियो है इस कंपनी की, काइंडली वो देखिएगा, फिर उसके बाद हम मजीद इस पर चलेंगे। आप सबको आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है आवाज, आ रही है यस मैम, शायद। आ रही है। बट ठीक है, ठीक है, ये अब हर गुजरता हुआ माह हो साल DXN के लिए बहुत अच्छा है। एक के बाद एक कामयाबी शहर सुर्खियों में जगह पा रही है, और इन तमाम कामयाबी की वजह से बैनुल अक्वामी मार्केट में DXN का नाम गूंज रहा है। DXN की तमाम कामयाबियों के पीछे कंपनी के बानी की वलवला अंगेज और रहनुमाई करने वाली क़यादत है, जिसने कंपनी की प्रोडक्ट और खिदमात को मेयार की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। DXN दुनिया की एक मुमताज और तेजी से तरक्की करती हुई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। आज DXN अपने बैनुल अक्वामी मेयार के गानोडर्मा फॉर्म और GMP मेयार के मुताबिक अद्विया साजी की वजह से पहचानी जाती है। DXN के ऑफिस दुनिया के 100 से जायद ममालिक में काम कर रहे हैं, और DXN के 40 लाख से जायद डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। DXN का अजम है कि वो दुनिया में लिंगजी गैनोडर्मा पर मुश्तमिल प्रोडक्ट्स बनाने वाले दुनिया का सबसे बड़ा इदारा हो। DXN एक बैनुल अक्वामी कंपनी है जो कि गुनागों कारोबारी सरगर्मियों की हामिल है, जिसमें प्रॉपर्टी का कारोबार, गैर रिवायती तरीकों से ईंधन की तैयारी, सयाह शामिल हैं। DXN ने अपने बिजनेस का आगाज बतौर खसूसी महारत से गानोडर्मा मशरूम उगाने वाले इदारे की हैसियत से शुरू किया। इसके बाद जदीद साइंसी तहकीक से फायदा उठाते हुए गानोडर्मा से बनी हुई आला मेयार की हामिल प्रोडक्ट्स की तैयारी शुरू की। DXN की बुनियाद डॉक्टर लिम सियाओ जिन ने रखी, जो कि दुनिया के मशहूर और मारूफ इदारे इंडियन इंस्टीट्यूट के फारिग तहसील हैं। DXN ने लिंगजी मशरूम के इंसानी सेहत पर मजबूत असरात को सामने रखते हुए लिंगजी मशरूम, जिसको नबातात का बादशाह भी कहा जाता है, से इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद प्रोडक्ट्स के वसी सिलसिले की आला मेयार की प्रोडक्ट्स की तैयारी शुरू की। इसके लिए डॉक्टर लिम सियाओ जिन ने 10 सालों पर मुहित अपनी तहकीक और तजिया से ठोस बुनियाद फराहम की। DXN की मौजूदगी बैनुल अक्वामी मार्केट में ताबिंदगी से चमक रही है। न सिर्फ मुकामी बल्कि बैनुल अक्वामी तौर से इंतहाई मरबूत अंदाज में DXN की प्रोडक्ट्स और सर्विस सेंटर न सिर्फ तरक्की याफ्ता बल्कि तरक्की पजीर ममालिक में अपनी भरपूर खसूसियात के साथ मौजूद हैं। DXN की एक दुनिया एक मार्केट के फलसफे की बुनियाद पर दुनिया भर में DXN मेम्ब्रान की जानिब से होने वाली खरीदो फरोख्त को इंतहाई मुनसिम अंदाज में यकजा कर दिया गया है।
और इसी वजह से कोई भी मेंबर दुनिया में डीएक्सएन के किसी भी ऑफिस में कहीं भी डीएक्सएन प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त कर सकता है और बोनस हासिल कर सकता है। कंपनी ने जो अवार्ड और सर्टिफिकेट दुनिया के मुख्तलिफ इदारों से हासिल किए हैं, सबसे मुमताज नहायत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स तैयार करने वाली कंपनी GMP के सर्टिफिकेट शामिल हैं। ये तमाम सर्टिफिकेट DXN के मजबूत अंदाज में मार्केट में मौजूदगी का सबूत हैं। DXN अपने फार्म और फैक्ट्रीज जो कि मलेशिया के शुमाली हिस्से में वाक़े हैं में प्रोडक्ट्स की वसी सिलसिला खुद बनाती हैं, जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट, गजाएँ और मशरूब से लेकर खुद हिफाजती प्रोडक्ट्स और घरेलू इस्तेमाल की प्रोडक्ट्स शामिल हैं। DXN का लिंगजी फार्म दुनिया का सबसे बड़ा गैनोडर्मा फार्म है, जिसमें नामियाती तरीके से गैनोडर्मा मशरूम की काश्त की जाती है। DXN अपने गैनोडर्मा फार्म्स में गैनोडर्मा की काश्त के लिए इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। गैनोडर्मा मशरूम उगाने के लिए हर तरह से नामियाती तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है ताकि गैनोडर्मा को कुदरती माहौल में उगाया जाए। DXN फार्म्स में गैनोडर्मा मशरूम उगाने के लिए चावल का छिलका और पुराने दरख्तों की लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल किया जाता है। गैनोडर्मा की काश्त से पहले इन तमाम बैग्स को दुनिया की सबसे वसी और अरीज आटोक्लेव से गुजारा जाता है ताकि बैग्स में मौजूद तमाम फाजिल और फासिद मादों के साथ साथ इनमें मौजूद जरासीम भी खत्म हो जाएं। इस तरीक़ेकार से DXN गैनोडर्मा मशरूम तकरीबन 300 से जायद इकसाम के इब्तदाई और सानवी अज्जा, जिसमें खामरों के अमल को तेज करने वाले अज्जा, अमीनो एसिड, हयातीन, निशास्ता और दूसरे अज्जा शामिल हैं। DXN मलेशिया की पहली कंपनी है जिसमें स्पायरोलिना पर तहकीक और स्पायरोलिना की पैदावार शुरू की, जो कि काश्त से लेकर मुकम्मल प्रोडक्ट्स की तैयारी पर मुश्तमिल है। DXN स्पायरोलिना को R&D के इदारे की इंतहाई कड़ी जांच पड़ताल के बाद अपने मेम्ब्रान के इस्तेमाल के लिए मार्केट करता है। स्पायरोलिना की काश्त के 10 साल मुकम्मल होने पर मलेशिया की वजारत ज़रात और ज़रई सनत से वाबस्ता इदारों ने DXN को मलेशिया में स्पायरोलिना बनाने वाली बानी इदारे का खिताब दिया। DXN स्पायरोलिना पाउडर माहौलियाती तौर पर मुंतखब करदा इकसाम से हासिल किया जाता है। स्पायरोलिना की काश्त के लिए साफ सुथरे तालाबों का इस्तेमाल किया जाता है। DXN की अद्विया साजी के प्लांट में सफाई का इंतहाई ख्याल रखा जाता है और इसी वजह से DXN के प्लांट में प्रोडक्ट की तैयारी बैन अल-अक़वामी मेयार के मुताबिक हिफ्जान सेहत के उसूलों के तहत इंतहाई मौजू माहौल में की जाती है। तैयार प्रोडक्ट्स को मजीद सख्त क्वालिटी कंट्रोल निज़ाम और मेयार के मुताबिक जांचा जाता है। 2004 में DXN ने 1.5 करोड़ 15 मिलियन रंगत की खतीर सरमायाकारी करके इंतहाई जदीद कॉफ़ी मिक्स करने का प्लांट लगाया ताकि DXN कॉफ़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। DXN के इस जदीद प्लांट में गैनोडर्मा के फवायद के हामिल लिंगजी कॉफ़ी इंतहाई साफ सुथरे माहौल में तैयार करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। DXN कई तरह के मशरूबात तैयार करती है, जिनमें मज़ेदार नोनी और रोज़ीला जूस, नबाताती चाय, बशुमल ऋषि गानो चाय, DXN कार्डिपाइन और दूसरे कई फलों के मशरूबात शामिल हैं। इसी के साथ साथ DXN जाती इस्तेमाल की कई अशिया भी बनाती है, जिसमें हर्बल क्रीम, साबुन, तेल, टूथपेस्ट पाउडर और मुख्तलिफ किस्म के खुशबूयात शामिल हैं। DXN जदीद तरीन ICT निज़ाम के तहत ई कॉमर्स के इस्तेमाल को बरोएकार लाते हुए अपनी मसनूआत की मार्केटिंग करती है। इस निज़ाम के तहत DXN दुनिया भर में अपने मेंबरान को माहाना पॉइंट्स की मालूमात, बोनस स्टेटमेंट और मुख्तलिफ ममालिक में ख़रीदारी के लिए पैसों का लेन देन करती है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग DEDP को इस्तेमाल करते हुए अपनी मसनूआत के स्टॉक को पूरी दुनिया में कंट्रोल करती है। DXN में मेंब्रान को प्रोडक्ट के फवायद और उनकी अफादियत के हवाले से मुस्तकिल बुनियादों पर ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में DXN के सीनियर मेंब्रान नए आने वाले मेंब्रान को DXN के उसूल और जवाबित के मुताबिक ट्रेनिंग देते हैं।
जिस पर प्रोडक्ट्स और नेटवर्किंग दोनों के हवालों से बात की जाती है। डीएक्सएन इस बात का भी अच्छी तरह ख्याल रखती है जो मेंबरान मेहनत करते हैं और मुख्तलिफ टारगेट पूरे करते हैं उनको इनामों इकराम से भी नवाजा जाता है, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक के टूर्स भी शामिल हैं। डीएक्सएन दूसरे कारोबार में भी भरपूर अंदाज जी। डॉक्टर शहजा भी आ गई। जी डॉक्टर साहब, आप अपने उसको अनम्यूट कीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, क्या समझ आया आपको, क्या देखा आपने, क्या समझ आया? पहले डॉक्टर अजमा आपसे शुरू करते हैं। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। का शुक्र। मैम, जैसे ही मैंने डीएक्सएन का नाम सुना ना, तो मैंने फौरी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको ज्वाइन करूं, क्योंकि मैं चंद साल पहले डीएक्सएन पे के साथ काम कर चुकी थी। तो ठीक है, ठीक उस वक्त पाकिस्तान में ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वाले साहब सऊदीया में रहते थे, फैमिली पहले हमारी सऊदीया में थी, है, सही। तो वहां से फिर मैंने मेडिसिन मंगवानी शुरू की वाले साहब से। और ये इसका मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो शुगर पेशेंट के लिए था। ठीक है, बहुत बहुत आपका हम इसका जी सुनेंगे, यानी कि आप इसके बारे में जानती हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल मैम, हमें काफी फायदा देती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम चलते हैं डॉक्टर जोया की तरफ, फिर आपसे इसके बारे में करेंगे, मैं आगे मजीद स्लाइड्स पर भी आपको बताती हूँ फिर इंशाल्लाह। जी डॉक्टर ठीक है जोया। मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, मैंने डीएक्सएन का सुना तो था, लेकिन मुझे इसका कुछ भी नॉलेज नहीं थी। आज आपने जो तफसील बताई है इसके बारे में, तो मुझे काफी इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं भी इसको ज्वाइन करूं। और आपने ज्वाइन इसके कर लिया, हमने मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन करवा दिया। जी हम ये चाह रहे थे कि हम आपको जी इसकी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेन करें, कहाँ हम लोग उसको होम्योपैथिक पे प्लस जी कर सकते हैं। ठीक है, तो जी बिल्कुल मतलब वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, हम जो भी बना रहे हैं, हम उसको कैसे कल्टीवेट करें, उगा कैसे रहें, मैन्युफैक्चरिंग कैसे जी करें, कौन कौन सी हर्ब्स हैं, और किस तरीके से हाइजेनिक तरीके से ये मलेशिया के अंदर ये काम हो रहा है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर जोया। मुझे बताइएगा डॉक्टर सलीम, आपने भी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है? ठीक जी मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मालूमात थी। पता सही। कि अगले फिर अब सेशन में आपको ना हम लोग वन बाई वन, जैसे एक एक प्रोडक्ट के बारे में तफसील से बताएंगे तो सबको ज्यादा अच्छी तरह समझ जाएगी। मैं आगे आपको जो है ना मशरूम के बारे में दे रही हूँ इंफॉर्मेशन मजीद ना, तो मैंने कहा पहले थोड़ा थोड़ा सा पूछ लूं कि मतलब वीडियो के अंदर क्या समझ आया आप सबको। ये बेसिक मालूमात थी जो हमें नहीं पता था। लेकिन किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी ना नॉलेज पूरी होनी चाहिए, क्या कंपनी है, कहाँ की है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, कल्टीवेटिंग उसकी कैसी है, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए हमें बींग अ डॉक्टर, क्योंकि हम जब अपने पेशेंट्स की बात आती है तो फिर हम उस पर कंप्रोमाइज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी आगे की स्लाइड्स है, मैं सही बात। इंशाल्लाह ये भी साथ साथ आपको मैं बताती रहती हूँ। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, वेलकम टू अवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। इवनिंग के टाइम भी हम आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, ये डीएक्सएन की कंपनी का स्लोगन है गुड मॉर्निंग। इसके टू रीजंस हैं, जैसे अभी डॉक्टर उस्मा ने भी बताया कि वो सऊदीया में इसको अप्लाई कर चुकी है, वहां से अगर यहाँ पर शाम हो रही है तो कहीं ना कहीं सुबह हो रही है। तो डीएक्सएन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो पर्सनल केयर है, फूड बेवरेजेस हैं, और आपके फेशियल्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो आपके मुस्तकिल बेसिस पर 24 घंटे इस्तेमाल हो रही होती हैं। दूसरी रीजन इसकी ये होती है कि हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो अपने आप को तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं, तो डीएक्सएन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी हम अपने आप को इसी तरीके से फ्रेश ही महसूस करते हैं। ठीक है, डीएक्सएन का जो मेन मकसद है, डीएक्सएन क्या कर रही है, हमें हेल्थ और वेल्थ दे रही है। देखिए, हर कंपनी जब हम किसी भी चीज को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक इनकम तो मिल ही रही होती है किसी ना किसी सूरत में, मगर डीएक्सएन की जो प्रायोरिटी है वो है आपकी हेल्थ को लेकर, रंग मजहब नजर किसी भी किस्म की इसमें कोई कैद नहीं है। ठीक है, 1993 के अंदर मलेशिया से इसका आगाज हुआ, वन वर्ल्ड वन मार्केट वन कंपनी के कॉन्सेप्ट से, जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया भी है। ठीक है, ये डॉक्टर मैम सोजिन है,
कंपनी के फाउंडर हैं। इन्होंने 1983 के अंदर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर रिसर्च किए कि गानोडर्मा या ऋषि मशरूम की बेनिफिट इंसानी सेहत के ऊपर क्या है। 1997 के अंदर इन्होंने होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर पीएचडी की है और इनको सिद्धार्थी अवार्ड से भी मलेशिया में नवाजा जा चुका है। और भी अलग इनके अवार्ड हैं। डिएक्सन जो है वो डेक्सन से निकला है, चाइनीज वर्ड डेक्सन, जिसके मायने है ट्रस्ट वर्थी, काबिल एतमाद, काबिल भरोसा। ठीक है, डिएक्सन इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 187 कंट्रीज के अंदर मौजूद है। जैसे अब हमारे पाकिस्तान के अंदर देखें, हमने अगर किसी पेशेंट को देनी होती है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो इंटरनेशनल पेशेंट्स होते हैं वहां पर होम्योपैथिक अवेलेबल नहीं होती है, जैसे कतर के अंदर अवेलेबल नहीं है होम्योपैथिक। तो हम अपने पेशेंट को ये भी एडवाइस कर कर हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, वन ड्रैगन कंपनी यानी कि उस कंपनी को कहा जाता है कि जो कि कल्टीवेशन भी खुद कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रही है और मार्केट भी वो खुद कर रही है। अब इसकी इंफॉर्मेशन है, मशरूम इंफॉर्मेशन है, इसका साइंटिफिक नाम है, ठीक है, और इसको जैपनीज ऋषि के नाम से जानते हैं और चाइनीज इसको लिंजी के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 38,000 के करीब एग्जाम्स इसकी मौजूद हैं, जिसके अंदर 2,000 जो खाने के काबिल हैं और जिसमें से 200 जो है वो मेडिसिनल वैल्यू रखती है। डॉक्टर लिम ने क्या किया है कि 6 टॉप मशरूमों को मिलाकर टिश्यू टेक्नोलॉजी के जरिए कंबाइन कर कर एक मशरूम बनाया है, जिसको हम कहते हैं गानोडर्मा लिसिडम। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो बिंगा मुस्लिम तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसको हर्ब ऑफ डेथलेसनेस कहते हैं। अगर आप स्लाइड में देख रहे होंगे तो चाइनीज या जैपनीज इसको समझते हैं ये मौत की देवी, इसके खाने से हमें मौत वाकई नहीं होगी। और अगर उनकी राय हमें किसी के पास ही मिल जाती थी तो वो इसको सोने में लाद कर भी वो जड़ी बूटी खरीद लेते थे, यानी कि उनकी नजदीक इसकी इतनी ज्यादा अहमियत थी। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो 2,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर इसके ऊपर मौजूद है, 300 से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंदर से चंद एक नाम है। पॉलीसेक्राइड्स है, आप देखेंगे कि आयरन की कोई भी टेबलेट है या होम्योपैथिक मेडिसिन की कुछ भी देखते हैं उसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स, एडिनोसिन होते हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, विटामिन डी है। आप इसको डिटेल भी जाकर rishi.com पर भी जाकर आप इसकी स्टडी ले सकते हैं, मगर हम आपको वक्तन फवक्तन इस मशरूम के बारे में डॉक्टर के व्यूज जो पूरी दुनिया से हैं और इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हर इंग्रेडिएंट्स का हमारी बॉडी पर क्या रोल है, हम आपको वो भी बताएंगे कि पॉलीसेक्राइड्स ने क्या काम करना है और कैसे वर्क करना है और कितने दिन तक करना है और कितने देर तक करना है। ठीक है, या आगे की एक हम जूम करेंगे उसमें इंशाल्लाह ताला वो डिटेल से बताएंगे। तो इस मशरूम के अंदर ये 300 से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। ऋषि को जो है वो किंग ऑफ एडोप्टेजिन कहते हैं। इसके अंदर कोई टॉक्सिन्स नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इवन कि हम इसको प्रोलॉन्ग यूज कर लें, यानी कि अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको पता है उनकी कॉम्प्लिकेशन है, और अगर हम इस मशरूम को लेते हैं तो ये आपके बॉडी में किसी भी किस्म की साइड इफेक्ट को पैदा नहीं करता, ओवरऑल आपके फंक्शन को नॉर्मलाइज करता है। स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक डिजीज पर काम नहीं करता, लाइक अवर होम्योपैथी। हमारी होम्योपैथी भी सर से लेकर पैर तक वर्क करती है, सेम इसी तरीके से ये भी एक हर्ब है, उसी तरीके से ये वर्क करती है ये। ठीक है, अब बात ये होती है कि हमें इसकी नीड क्यों है। अगर हम आज की रियलिटी देखें तो इस टाइम हमारे पास पीने का पानी भी साफ नहीं है, आबो हवा हमारी साफ नहीं है, हमारे पास सिस्टम सब्जियां फल फ्रूट जो भी आ रहे हैं वो सब हमारी स्प्रे की हुई आ रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास धुआं, गाड़ियों का इतना ज्यादा, एक तो फैक्ट्रियों का तो है, गाड़ियों का भी बहुत ज्यादा है, ये डेली बेसिस पर जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो क्या होता है, टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में इंटर हो रहे हैं और हमारी बॉडी इनबैलेंस होना शुरू हो जाती है, जो कि खतरनाक बीमारियों की सूरत में इजहार होता है इसका। ठीक है, अब गानोडर्मा या ऋषि मशरूम क्या करती है, यहाँ हमें बस थोड़ा सा ऐसी बात को समझना है कि ये डेली बेसिस पर क्लींजिंग करती है बॉडी से, डेली बेसिस पर डिटॉक्सिफिकेशन करती है। किस तरीके से करती है, बाय स्टूल करती है, बाय यूरिन करती है, आपके स्किन के थ्रू करती है और बाय माउथ करती है। इसके एग्जाम्पल से ले लें, अगर हम कमरे की सफाई डेली बेसिस पर नहीं करेंगे तो क्या होगा, कमरे में जब गंद जमा होता रहेगा तो वहां से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो सेम इस तरीके से ये आपके सेल लेवल पे काम करती है, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर कर ये वहां से डिटॉक्सिफिकेशन करती है, सेल को क्लीन करती है, उस सेल में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, उस सेल में जो है न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती है। जहां भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, जब सेल हेल्दी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे टिश्यूज, हमारे मसल्स, हमारे ऑर्गन हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बीमारियों से बच भी सकते हैं।
फिर दूसरी बात क्या करती है, यह आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है, इम्यून सिस्टम को इनहेंस करती है मजीद। जैसे हम ये कहते हैं कि अक्सर कि हम अपनी वाइटल फोर्स को स्ट्रांग कर दें तो वो बीमारियों से खुद लड़ सकती है, सेम इस तरीके से अगर हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है तो वो भी बीमारियों से फाइट कर सकता है। देखिए, आपकी और हमारी मजबूरी है, इसी माहौल में सांस लेना है, हमें यही सब्जियां खानी है, हमें यही सब कुछ इस्तेमाल करना है, तो हम ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल करें जो कि डेली बेसिस पर वो हमारी बॉडी से क्लीन होती रहे। चंद इसकी डोजेज है, यानी कि हम इसको हाफ टी स्पून से स्टार्ट करते हैं और हम इसको फिर ज्यादा मिकदार में ले जाते हैं, फिर हम इसको रिटर्न भी करते हैं। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये मशरूम की दी है। अब डॉक्टर लिम ने क्या किया कि इस मशरूम को एक सर्वे के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक 2 ग्राम अगर हम इसको डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं तो हम आने वाली बीमारियों से प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बीमार हो गए हैं, हमारे हमारे पास कोई पेशेंट आ गया है और वो बीमारी का शिकार है, तो हम इसको ज्यादा मिकदार में देकर उसकी बॉडी से उस बीमारी को खत्म भी कर सकते हैं। तो चंद चीजें आपको बताऊंगी, फिर हम आपस में डिस्कशन करेंगे। मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, यस मैम। ठीक है, ऋषि मशरूम पाउडर पाकिस्तान के अंदर जो है ये पाउडर फॉर्म के अंदर मौजूद है, और जैसे हमारे सऊदीया में और दुबई के अंदर ये कैप्सूल फॉर्म में भी मौजूद है। ये 100% प्योर पाउडर है। इसके अंदर आप 2 कलर देख रहे होंगे, एक लाइट कलर है और एक डार्क कलर है। जब मशरूम जब उसकी ग्रोइंग हो रही होती है, डिवेलप हो रहा होता है, जब वो 30 दिन का डिवेलप हो जाता है तो उसको तोड़कर ग्राइंड कर लिया जाता है, और जब मशरूम 90 दिन का हो जाता है तो उसको भी ग्राइंड कर एक ही बॉटल के अंदर दोनों को प्लस कर दिया गया है। जैसे आपको बताया कि ये आपके सेल लेवल पर काम करती है, तो ये पूरी बॉडी पर ही वर्क करती है, बीमारी का नाम चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब डॉक्टर लिम ने क्या किया, आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने कॉफी का प्लांट भी खुद लगाया है। अब इन्होंने 2 ग्राम मशरूम को मुख्तलिफ चीजों के अंदर ऐड कर दिया है कि हम किसी भी तरीके से इस मशरूम के बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है, अब ये 3-in-1 कॉफी है। एक तो सबसे बढ़कर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास जितनी भी कॉफीज है, 7 to 8 टाइप्स है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर कैफीन नहीं है, 0.06% कैफीन है, जो कि हम साल के 12 महीने इस कॉफी को हम पी सकते हैं। यह आपको जायके के साथ सेहत दे रही है, यानी कि आपके ये स्ट्रेस को खत्म कर रही है, जोड़ों पट्टों के दर्द को खत्म कर रही है, वेट को रिड्यूस कर रही है, शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही है, नींद बहुत अच्छी आ रही है। इससे हमारे पास ये मशरूम बेस हो, हमारे पास ब्लैक कॉफी भी है और 3-in-1 भी है। ठीक है, इसके अंदर कैफीन नहीं है, हार्ट का पेशेंट, लिवर का पेशेंट पी सकता है, और साल के हम 12 महीने पी सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मशरूम बेस एक और प्रोडक्ट है कोकोजी के नाम से। ठीक है, तो ये जैसे माइलो और हॉर्लिक्स होते हैं ना, अमूमन आपने देखा होगा, तो उसमें भी हमने इसको शामिल कर दिया है। वो इस वजह से शामिल किया है कि ताकि बच्चों की मेंटली और फिजिकली ग्रोथ की जा सके। इस पर भी एक मजीद हम हर प्रोडक्ट के ऊपर करेंगे, मगर मैं आपको चंद एक बताना चाह रही हूँ। मशरूम बेस हमारे पास टूथपेस्ट है, इसके अंदर भी हमने मशरूम को ऐड किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, वेजिटेबल जेल है, आपका मशरूम पाउडर है और मिंट है इसके अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये माउथ कैंसर से प्रिवेंट करती है। इस टाइम 5 चालिया गुटखा से बहुत तेजी से माउथ कैंसर डिवेलप हो रहे हैं, बाकी ये तमाम आपके मसले मसाइल का ये दांतों के एक इजीली हल है, जो कि दांतों की सफाई के साथ जो है आपको सेहत दे रही है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास गनोजी शैम्पू है। शैम्पू के अंदर भी इसको ऐड किया गया, इसके अंदर कंडीशनर नहीं है, प्योर फॉर्म में है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। हमारे पास वाइटामिन B5 के साथ इसको इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। वक्त से पहले जिन लोगों के बाल सफेद हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि हमारे पास बालों हेयर फॉल का मसला बहुत ज्यादा है, हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, इसकी वजह से बाल हमारे बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास मशरूम बेस्ड सोप सोप भी मौजूद है, इसको हम 3-in-1 सोप के तौर पर यूज करते हैं। 3-in-1 सोप कैसे, ये हमारा एक ब्यूटी सोप है, वॉश भी है। सेकंड नंबर पर ये जो है हमारा क्लींजर सोप है, और थर्ड पर ये हमारा एक्नी पिंपल ट्रीटमेंट सोप है। ये इसका हम लाइव डेमो भी देते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहबा कह रही थी हमारी इस पर लाइव डेमोस्ट्रेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास गानो मसाज ऑयल है, ये हम अपने पैरालाइज के पेशेंट को देते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, तो हम जोड़ा पट्टों के मसाज के लिए भी देते हैं, और इसके अलावा हम इसको हेयर फॉल में भी इसको हम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन थी हमारी इसकी प्रोडक्ट की।
और मैं इसको पहले इसकी स्टॉप शेयरिंग कर दूं। तो अब आप मुझे वन बाय वन बताते रहें कि आपको, आप जैसे डॉक्टर अजमा कह रही थी आपने तो उसको कुछ यूज किया है, अब आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपको क्या समझ आया मजीद ये वीडियो और ये प्रेजेंटेशन लेने के बाद, और आपका क्या टेस्टिमोनियल रहा। थैंक यू सो मच मैम। मैंने प्रेजेंटेशन तो इसकी फर्स्ट टाइम देखी है, लेकिन मेरे यूज़ में बहुत ज़्यादा रह चुकी है, क्योंकि स्पेशली मैंने आपसे फर्स्ट मैंने बात की थी कि मैंने शुगर पेशेंट में इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट देखे हैं। क्योंकि जी, मेरे नेबर में एक 6 साल का बच्चा था जिसको डायबिटिक पेशेंट था, उसको डायग्नोज हुई थी 6 साल की उम्र में शुगर, तो सुबह शाम वो इंसुलिन पे आ गया था। मैंने वाले साहब से डिस्कशन करने के बाद, क्योंकि वाले साहब ने वहाँ पे मेंबरशिप ली हुई थी और वो मुझे वो मेडिसिन प्रोवाइड करते थे, तो मैंने स्पेशली उस बच्चे के लिए जो है ना ऋषि पाउडर और सीरप बोरिंजी ये मैंने उसको स्टार्ट करवाया। तो इसके रिजल्ट्स मुझे ये मिले कि वो बच्चा जो चलते चलते गिर जाता था ना, उसमें इतनी वो पावर आ गई कि वो जो था ना भाग दौड़ करने लगा, स्कूल जाने लगा माशा और बेहतरी महसूस करने लगा। शुगर जो उसकी बहुत ज्यादा हाई रहती थी वो ऐसे ऐसे लेवल पे आनी शुरू हो गई। अब माशाल्लाह से वो बच्चा शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है, अल्लाह, और अब जो है उसके अंदर जो है ना वो चीज नहीं रही। शुगर उसको अब भी है, लेकिन वो इंसुलिन लेवल से जो है ना हटके अब टेबलेट तक आ गई है। देखिए अभी जो मैंने मैंने आपको उसको ये तीन मेडिसिन, साल मैम जी जी बोलिए, मैंने मैम उसको 3 साल ये मेडिसिन यूज करवाई थी। ठीक है, बहुत बाकी इसकी बहुत डिफरेंट चीजें जो है मेरे यूज में रह चुकी हैं, तो उसके पाकिस्तान के बारे अंदर में अवेलेबल है, मैं तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 16 साल है और 10 साल से तो मैं खुद प्रिस्क्राइब कर रही हूँ पाकिस्तान में ही। मैं मैंने आपको, पाकिस्तान में इसकी मेंबरशिप नहीं ली थी, क्योंकि यहाँ से जो था ना वो ना तो कोई परसेंटेज मिल रही थी ना हमें कोई उसमें बेनिफिट मिल रहा था, तो नहीं इस आपको वजह सब से फिर मैंने बेनिफिट यहाँ से इसको मिलेंगे, कंटिन्यू आपको किया। सब बेनिफिट मिलेंगे, पाकिस्तान के अंदर है, आपने अब हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवा ली है ना, तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा। जी ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेल लेवल पे काम कर इंशाल्लाह सकते जी हैं, ठीक है, मैं अभी ग्रुप में इसकी कुछ डॉक्टर्स के जो शेयरिंग है ना जी उसको लेकर मैं वो भी शेयर करूंगी, क्योंकि देखिए आपने 3 साल इसको जी ठीक इस्तेमाल कराया तो ये पेनक्रियास को नए है सिरे मैम, से बिल्कुल डेवलप करती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट्स है जो कि रीजनरेशन की सलाहियत रखती है। दुनिया में बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जैसे ब्रेन की हैं, तो वो कहते हैं कि एक दफा एक चीज खराब होगी तो वो रिजेनरेट नहीं हो सकती, तो उस मशरूम में कुदरती तौर पर सलाहियत भी मौजूद है। आपने तो 3 साल किया और यकीन करें कि उसकी बिल्कुल बॉडी के अंदर और भी मसले खत्म हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल रहा। बिल्कुल मैम ऐसे ही है। अब हम चलते हैं डॉक्टर राणा की तरफ, क्योंकि उन्होंने भी इसकी कुछ इस्तेमाल करवाया है, तो थोड़ा सा वो भी शेयर करेंगे। जी डॉक्टर कलीम, आप अपने अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी अभी आ रही है आवाज़? जी, अब आ रही है। इसको मैंने ज्यादातर यूज करवाया यूटेरिन फाइब्रॉइड में, उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इसके, ऋषि और मुरिंजी। सही, मोरंजी पर भी हम एक एक कर कर इसकी मजीद करेंगे, बाकी अभी तो ऋषि के बारे में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हमें समझनी भी हैं। तो और मेरे ख्याल से डॉक्टर शाहिदा हैं, डॉक्टर जोया और सादिया मुनीर जो अभी हमारे साथ हैं, इन तीनों ने अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं किया या इन्होंने फर्स्ट टाइम सुना है। ठीक है, तो डॉक्टर जोया थोड़ा सा बताइएगा क्या नहीं समझ नहीं आया। नहीं मैम, हमने यूज़ तो नहीं किया, प्रोडक्ट तो हमें काफ़ी यूजफुल लग रही है। और जो है इसका नाम मैंने बहुत पहले सुना था, लेकिन हमें कुछ भी नहीं था, लेकिन आज आपने तफसील बताई तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं ये प्रोडक्ट काम करती है, वर्क करती है। पहले तो कॉन्सेप्ट यही था कि जो मशरूम्स होते हैं ये तो ज़्यादा रख भी नहीं सकते और ये पॉइजन बन जाते हैं, तो इस वजह से तवज्जो भी नहीं दी इस पे कि ये पॉइजन उससे मशरूम से बनी हुई मेडिसिन है। लेकिन अभी आपने जी मुझे तफसील बताई हमें तो अभी थोड़ी सी समझ में आई है, इंशाल्लाह अब यूज भी सर, करेंगे आपके साथ, फिर इंशाल्लाह ताला, आगे आप भी तो वैसे भी बढ़ेंगे। कराची में मेरे बहुत इवेंट होते हैं जी और मैं 8 साल से इस कंपनी में ब्यूटी प्रोडक्ट पर ट्रेनर भी हूँ। हम लाइव फेशियल देते हैं, लाइव ओके हेयर फॉल ट्रीटमेंट ओके देते हैं इन्हीं के प्रोडक्ट से, और अब काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैम ये भी वर्क कर रही है। तो चलते हैं फिर हम डॉक्टर शायदा की तरफ। जी डॉक्टर शायद अपने आपको प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम।
जी कैसी हैं डॉक्टर नौरीन? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जी, डीएक्सएन की मैंने मेडिसिन यूज की है, स्पायरोलिना। बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। मैंने सब मल्टीविटामिन जो है वो छोड़ दी थी, सिर्फ मैं स्पायरोलिना ले रही थी। 2 टेबलेट्स ले रही थी मैं उसकी। बहुत फर्क हुआ था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो बॉडी में दर्द होता था उससे भी बहुत फर्क हुआ था, और ज्वाइंट में भी थोड़ा दर्द था होता था उसमें भी मुझे काफी हद तक रिलीफ मिला था। और आपकी टूथपेस्ट भी मैंने यूज की है, वो भी बहुत अच्छी है। पेशेंट को भी मैंने दी है, उनको बहुत फर्क हुआ उससे। बस सही, आगे ठीक फिर मैं चल नहीं सकी क्योंकि, ठीक है, है ठीक है, बहुत अभी आपसे ज्वाइन शुक्रिया। किया है, अब अब आपसे हमारे ज्वाइन साथ किया है, अब ज्वाइन है, आगे पता चलता रहेगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको जी इनके जी प्रोडक्ट्स पर ट्रेन भी करेंगे, और जो जो इसके कंपनी से जी बेनिफिट जी मिलते हैं, जो कि हमें जिस भी तरीके से जी जो बेनिफिट है, चाहे वो हमें कैश के सूरत में मिल रहा है, जी चाहे वो हमें टूर्स की सूरत में मिल रहा है। अलहमदुल्ला मैंने कराची में बड़े जी टूर्स डॉक्टर, किए हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ने बताया ना कि इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहबा आपसे वादा है आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जी। बस ये इसी वजह इंशाल्लाह से मैंने छोड़ दिया, फिर कोई बेनिफिट नहीं मुझे मिला ना, तो इसलिए सही फिर मैं बीच में, नहीं, क्योंकि सही। इससे इसको देखिए, हमारा मेन मकसद क्या है बिंगा डॉक्टर, के हमारा पेशेंट पहले ठीक हो ना, तो बिजनेस तो जी हमें जी हर चीज से मिलता है। देखिए हम किसी भी कंपनी के लिख रहे होते हैं, हमें हर कंपनी प्रॉफिट दे रही होती है। इनका थोड़ा सा जी क्राइटेरिया जी डिफरेंट है जरूर, मगर ये कि ये भी दे रही होती है और बहुत अच्छा दे रही होती है, और अब तो बहुत ज्यादा ही मिल रहा है। तो अभी तो आपकी मतलब आपको अंदाजा ही नहीं है कि कंपनी की वर्क कहाँ तक चली गई है। अभी मेरी ही साथ कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो कि अभी मलेशिया जा रहे हैं 10 अक्टूबर को कंपनी के खर्चे पर। तो बात यही है कि जो काम करता है उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, तो हम सादिया के पास चलते हैं। सादिया ने फर्स्ट टाइम मंगवाई है, इनके कल पार्सल इनके पास पहुंचा है, तो सादिया प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नरीन, कैसी वालेकुम हैं? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मैं सादिया के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये डॉक्टर नहीं है, और इनके बेटा बेटा है ना शायद ऑटिज्म का शिकार है, तो क्योंकि ये बहुत अरसे से जी इसका रिसर्च कर रही है, पढ़ रही है, तो अब ये इसको इस्तेमाल शुरू करेंगी। इन्होंने अब कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं, तो वैसे इनका एक्सपीरियंस रहता है कि जितनी इन्होंने स्टडी की है उसके मुताबिक इन्होंने पैसा पाया है। मैंने यही कि हम जो ऑटिज्म पेरेंट्स है ना, इनका जो मेन होता है ना वही कि हमें टॉक्सिन्स फ्री, और जितने हमारे एनवायरनमेंट में मेटल्स होते हैं ना, हमें जितनी प्रोडक्ट्स मिल रही होती है ना, फुल ऑफ मेटल्स होती हैं, स्पेशली सिल्वर एंड आर्सेनिक बहुत ज्यादा होता है हमारी खुराक में। हमें जो फूड्स मिलती हैं, सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तो हम जो पेरेंट्स हैं ना, वो सब ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ मूव करते हैं, और जब हमें ऑर्गेनिक फूड्स ढूंढनी पड़ती हैं तो वो काफ़ी मुश्किल मिलती हैं। फिर हमारे कुछ बच्चे सारे पिकी ईटर होते हैं, किसी को लिक्विड्स पसंद होते हैं, किसी को सॉलिड्स पसंद होते हैं, तो फिर उनमें क्या होता है कि उन बच्चों को, कईयों को जूसेस बहुत पसंद होते हैं, तो वो मुझे इन चीज इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी लगी कि हम बच्चे को रिप्लेस कर सकते हैं विद हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है, क्योंकि हम उन बच्चों को रोक नहीं सकते। वो जिन चीजों को खा रहे होते हैं वही खा रहे होते हैं साल हर साल, उनके अंदर चॉइस नहीं होती मजीद, तो इस वजह से मैंने इसको चूज किया। और एक जो चीज जो मुझे डीएक्स